नमस्कार दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे महालक्ष्मी व्रत क्यों करना चाहिए। पुराणों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत दुख दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रताप से खोया धन, राजपाट, संपत्ति, सम्मान सब कुछ पुनः वापस मिल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत किया था, घर की गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए, आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए, ऐसा स्कंद पुराण और अन्य दूसरे ग्रंथों में बताया गया है। अगर घर में सदैव आर्थिक परेशानी रहती है तो उन्हें महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए और ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का 16 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। इसके साथ ही इस श्लोक का पाठ करें। ये श्लोक यहाँ पर लिखा है, महालक्ष्मी व्रत के दौरान आप इसका आसानी से जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही घर की गरीबी और दरिद्रता को दूर करने के लिए ये उपाय भी जरूर आजमाएं। आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ जमीन पर रूली या लाल रंग से माता लक्ष्मी के पैरों के निशान बनाएं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो को ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा में रखकर ही पूजा करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र पर कमल का फूल चढ़ाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। इन उपाय के करने से आपके घर की दरिद्रता और गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। और मुझे इस पोस्ट से आप आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।